दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक छोटी सी मास्टर क्लास। 480 सेकंड्स में आप सीख पाएंगे किस तरह से हम जो है लाइट पेंटिंग वाले शॉट्स कमाल के निकाल सकते हैं, स्पेशली फैशन फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर। तो आज सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मेरे कौन से गियर्स रहेंगे लाइट पेंटिंग के लिए, फिर मैं आपको पूरा सेटअप समझाने वाला हूँ किस तरह से पूरा सेटअप लगाते हैं, और थर्ड स्टेप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइट को किस तरह से पेंट किया जाता है, और आखिर में आप देख पाएंगे कि फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो किस तरह से निकल के आता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं आज की हमारी मॉडल से। तो आज हमारे साथ काम कर लिए मृणाल चौहान। मृणाल चौहान एक अपकमिंग एक्टर एंड मॉडल है, तो आज इनका जो मेकअप है वो किया है हमारे साथ है ममता जी। ममता जी बहुत अच्छी एक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और दोनों का जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहां आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को मॉडल हायर करना है तो आप मृणाल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी को मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए तो वहां पर आप ममता जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अब सबसे पहले दोस्तों लाइट पेंटिंग के लिए क्या गियर्स आपको चाहिए, तो मैं आज मेरा सेटअप आपको सारा शेयर करने वाला हूँ। जरूरी नहीं कि आपको भी वही गियर्स यूज करने हैं, आपके पास जो भी गियर्स हैं उसके साथ आप अच्छी खासी लाइट पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आज यूज कर रहा हूँ मेरा सोनी का A7R4 कैमरा, और साथ में जो लेंस है ये है मेरा ज़ाइस का बैटे सीरीज का 40mm का। तो ये फोकल लेंथ मुझे थोड़ी ठीक लग रही है क्योंकि यहाँ पर आज मैं पोर्ट्रेट लेने वाला हूँ, और यहाँ पर आप ट्रिगर देख रहे हैं ये गोडोक्स का एक्सप्रो ट्रिगर है जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आज के लाइटिंग गियर की, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ मेरी गोडोक्स की AD600B लाइट है जो मैंने एज अ की लाइट लगाई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स जो कि गोडोक्स का P120H पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स है। तो ये एक बहुत ही सिंपल लाइटिंग सेटअप रखा है मैंने। तो ये है हमारे आज के गियर। अब बात करते हैं लाइट को किस तरह से पेंट करना है। तो लाइट को पेंट करने के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीछे मैंने अपनी एक प्रो फोटो की लाइट रखी है, क्योंकि वैसे तो दोस्तों इसके लिए अलग से आपको लाइट पेंटिंग के लिए ब्रशेज आते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, या आपने देखा है ट्रैफिक जो पुलिस होती है कई बार वो भी उस तरह की लाइट्स यूज करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी गोडोक्स की आप देख पा रहे हो आजकल काफी सारी लाइट्स आती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई गियर नहीं था तो हमने अपनी जो प्रो फोटो की लाइट है इसी को हमने लाइट पेंटिंग के लिए यूज किया है। तो जब मैं इसे इस तरह से जलाऊंगा, देखिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप लाइट देख पा रहे हैं, इससे हम जो है यहाँ पे मॉडल के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से हम पेंट करेंगे ताकि आपको जो इफेक्ट है वो देख के आपको मजा आ जाएगा, और आप भी इस तरह की फोटोज अपने स्टूडियो में, अपने घर में, या जो भी आपकी जगह है वहां पे आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे गियर्स की, अब बात करते हैं दूसरी हमारे सेटअप की। तो जब भी आप लाइट पेंटिंग करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाया है, तो हमेशा जब भी आप लाइट पेंटिंग करें तो ध्यान रखें कि जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली ब्लैक होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम लाइट को पेंट करेंगे इसके साथ, देखिए इस तरह से मैं इनके पीछे जाके लाइट को, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं, देखिए इस तरह से मैं पेंट करने की कोशिश करूंगा लाइट को, और जब मैं लाइट को पेंट करूंगा तो अभी जैसे मैं स्टूडियो में शूट कर रहा हूं, आप जहां भी शूट कर रहे हैं तो वो जो जगह है वहां पे कंप्लीटली अंधेरा होना चाहिए। तो जब हम लाइट को पेंट करेंगे तो मैं स्टूडियो की सारी लाइटें जो है ऑफ कर दूंगा ताकि अंधेरा जो है वो कंप्लीटली आपके रूम में या आपके स्टूडियो में होना चाहिए, जिससे लाइट पेंटिंग का इफेक्ट है वो काफी अच्छे से निकल के आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपको, जैसे अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस वीडियो को देख रहे हो कहेंगे सर हमारे पास तो ये लाइट नहीं है, तो भैया आप जो है नॉर्मल, ये आप देख रहे हैं गोडोक्स एक नॉर्मल फ्लैश है, इससे भी आप अच्छे से लाइट को पेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटिंग्स की और टेक्निक की। तो कैमरा सेटिंग्स का जहां तक सवाल है, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के शॉट्स लें तो आपका जो कैमरा है वो होना चाहिए ट्राईपॉड के ऊपर, क्योंकि जब आप ये पिक्चर्स लेंगे तो यहाँ पर जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब बात आती है एक्सपोजर ट्राइंगल की, तो यहाँ पर जो शटर स्पीड है वो हमें रखनी है 6 to 10 seconds के बीच में, क्योंकि जो डिले होता है 6 to 10 seconds का वहां पर ही जो है सारा खेल होता है कैसे आप लाइट पेंट करते हो उस दौरान ही। तो जब अगर आपकी शटर स्पीड 6 to 10 seconds है तो हैंडल शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए आप हमेशा कैमरा जो है वो आप अपने ट्राईपॉड के ऊपर रखिए। अब बात करते हैं हमारे अपर्चर की, तो अपर्चर यहाँ पर चूंकि मैं एक पोर्ट्रेट ले रहा हूँ मृणाल का, यानी कि इस तरह का शॉट आने वाला है यहाँ तक का,
तो यहाँ पर जो अपर्चर है वो आपका F8 या F9 के आसपास होगा तो ठीक रहेगा। मैंने अभी इस वक्त रखा है F8 के ऊपर, और जो ISO है वो हमारा रहेगा 100। तो ये तो हो गई हमारी कैमरा सेटिंग्स। अब एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप ट्राइपॉड के ऊपर अपना कैमरा रख लें तो यहाँ से आपको देखिए इस तरह से मैन्युअली फोकस करना है लाइट के अंदर अपने सब्जेक्ट को, ताकि आप जब अपने सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो चाहे आप ऑटो में रख के फोकस करिए, उसके बाद आपको मैनुअल पे छोड़ना है, क्योंकि जब रूम में अंधेरा होगा तो अगर आपने ऑटो फोकस पे अपना कैमरा लेंस रखा है तो वो बार बार फोकस को हंट करता रहेगा, क्योंकि उसे लाइट दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर आपका शॉट खराब हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपका जो फोकस है उसे आपको हमेशा मैनुअल ही रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निक की। अब टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइट पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो मेरा की लाइट है वो मैंने जो है आप देख पा रहे हो इस तरह से की लाइट रखा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने यहाँ मॉडलिंग लैंप ऑन करके रखा हुआ है, देखिए इस तरह से ये मॉडलिंग लैंप आपको ऑफ कर देना जब आप ये शॉट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से अभी मॉडलिंग लैंप को ऑफ कर दिया है। तो अब जो है जब मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर फोटो लेने से पहले देखिए ट्राईपॉड पे, तो मेरा जो शटर स्पीड है वो 6 to 10 seconds ही है। तो ये एक बार फायर करेगी लाइट और 10 seconds के बाद जो है वो 6 to 10 seconds जो भी आपने शटर स्पीड रखी है उसके बाद ही जो है हमारा शॉट कंप्लीट होगा। उस दौरान जो है मैं अपनी लाइट को मुझे इस तरह से ऑन करना है और मैं जो है लाइट को देखिए इस तरह से पेंट करना शुरू करूंगा। अब यहाँ पर लाइट को आप किस तरह से पेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं कि पहली बार में आपका शॉट ठीक से आए, आपको 8-10 बार लाइट शेप करना पड़ेगा और तब जाके आपको एक अच्छा शॉट मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपके शॉट्स जो है वो बेहतरीन निकल के आएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप लाइट पेंटिंग यानी कि अभी मैंने लाइट ऑन कर रखा है, मैं इस लाइट को तब ऑन करूंगा जब यहाँ पे लाइट ऑलरेडी फायर होगी, यानी कि 10 सेकंड का मान लीजिए मैंने लगाया है यहाँ पे अपना शटर स्पीड, जैसे ही फायर होगा उसके बाद मैं इस लाइट को ऑन करके आई विल स्टार्ट पेंटिंग लाइट। देखिए इस तरह से मैं शुरू करूंगा। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए, मैं भी आपको पूरा डेमो करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको सब चीज समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ। तो चलिए लेते हैं अब एक शॉट और देखते हैं कि शॉट हमारा किस तरह से निकल के आता है। चलिए अब जैसा मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन की थी हम वैसा ही करने जा रहे हैं। यहाँ आप मेरी कैमरा सेटिंग्स देख पा रहे हैं, 10 सेकंड मैंने अभी शटर स्पीड रखी है, F8 पे शूट कर रहा हूँ, ISO मैंने रखा है 100 और यहाँ से मैं देखिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखिए इस तरह से मैं मैनुअल फोकस कर रहा हूँ ताकि फोकस मुझे जो है वो बिल्कुल शार्प मिले। तो मेरा कैमरा रेडी हो गया है, ट्राईपॉड पे मैंने रखा हुआ है। अब मैं जाऊँगा पीछे और मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा यहाँ पे क्लिक करने के लिए और मैं इस तरह से पीछे जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे हैं ममता जी को मैं बोल रहा हूं कि स्टूडियो में पूरा अंधेरा कर दिया जाए और मैं पीछे जाके लाइट को पेंट करना शुरू करूंगा। सो ममता जी लाइट को थोड़ा ऑफ करिए। तो अब लाइट ऑफ हो चुकी है, हो सकता है कि आपको कुछ भी इस वक्त दिखाई ना दे रहा हो, सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ दोस्तों पीछे और अब मैं अपने असिस्टेंट को बोलूंगा क्लिक करने के लिए। सो प्लीज प्रेस द शटर बटन। तो ये देखिए फायर हुआ और मैंने यहाँ पे लाइट ऑन कर लिया इस तरह से, और अब मैं जो है देखिए इस तरह से लाइट को पेंट करना मैंने शुरू किया है, देखिए इस तरह से। एंड यहां पर मैं आ गया हूं पेंट करते करते और मैंने अब लाइट को कर दिया है ऑफ और अब देखते हैं कि शॉट हमें किस तरह से निकल के आता है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर आपको कितना बेहतरीन शॉट मिला है। एक बार लाइट ऑन कीजिए ममता जी। तो दोस्तों आपने देखा ये हमें शॉट मिला है और इस तरह के शॉट्स आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं और भी तरीके से लाइट को पेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको दिखाना है, कैसा आपको डिजाइन चाहिए, किस तरह से आपको ब्रशेस घुमाने हैं। तो ये एक तरह का आपका ब्रश है, यानी कि ये जो लाइट है ये आपकी ब्रश है और आप इसे अच्छे से पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स है जो हमने ली थी वो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि लाइट पेंटिंग करना कितना आसान है। ऐसी पिक्चर्स पोर्टफोलियो में, पोर्ट्रेट्स के अंदर, या कभी कभी आपको पिक्चर्स के अंदर अपनी लाइटिंग को क्रिएटिव बनाना होता है तो वहाँ पे बहुत आसानी से आप इसे दिखा सकते हैं। अब इससे जुड़े कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। आपको ये शॉट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शॉट्स बहुत परफेक्ट हैं, बिकॉज हमारा जो लाइट शेपिंग टूल है वो हमने एक स्ट्रोब लाइट ही यूज़ किया है। आप लाइट पेंटिंग ब्रश वाले काफी सारे टूल आते हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।